नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। आप देख रहे हैं जस हिंदी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि भारत और इससे जुड़े तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों को इस मंच से उठाया जाए। इसमें आपके सहयोग की लगातार निरंतर अपेक्षा रहती है और आपके स्नेह और प्रोत्साहन से निष्पक्ष रहकर अलग अलग विषयों को समझने और उनके समाधान के बिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश भी मैं करती हूं। आपके सहयोग के बिना मेरी ये कोशिश पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आपके फीडबैक और कॉमेंट का मुझे हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आज का विषय भी देख लेते हैं क्या है। और जो तुम पुलिस का सहारा ले रहे हो, ये बहुत गलत बात है। क्यों डर रहे हो हमारे सीबीआई जांच करने? क्योंकि तुम चोर हो, इसीलिए डर रहे हो। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नकल पर नकेल कसने और परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून लाया है। इसमें अगर दोषी पाया गया तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इस कठोर कानून में। ये कानून बीजेपी की सरकार ने 24 घंटे में ही अध्यादेश लाकर लागू कर दिया है। असल में धामी सरकार के सामने युवाओं के बढ़ते गुस्से को शांत करने की एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राज्य में लगातार हर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे। इस बात से युवाओं में काफी आक्रोश था। वो बार बार हो रही परीक्षा पेपर की धांधली से हताश थे। ये कदम कह सकते हैं, धामी सरकार का कदम ये कह सकते हैं कि अपराधियों में कठोर कानून का भय पैदा करने के मकसद से उठाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे असम की बीजेपी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए पॉक्सो की धाराएं लगाई। ये अलग बात है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो के मामले के बावजूद आरोपियों को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि बाल विवाह के ऐसे मामलों में पॉक्सो का औचित्य क्या है। खैर, वो मसला अलग है। हमारा आज का मसला है पेपर लीक होना और युवाओं के रोजगार पर फर्जीवाड़े का काला धंधा। तो आपने देखा कि किस तरह से पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं स्ट्रेट टॉक में, ये किस तरह से युवा परेशान नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ये युवा और पुलिस इन पर लाठियां बरसा रही है। पुलिस ने इन युवाओं के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं। 13 युवाओं को नामजद किया गया है। इन युवाओं पर दंगा करने, हत्या की कोशिश जैसी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि पुलिस ने उन पर बर्बरता दिखाई थी, उन पर लाठियां बरसाई थी। ये हमारे देश के युवाओं का हाल है। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, आप यूपी चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए। यहाँ पर साल दर साल जो परीक्षा होती है भर्ती की, उसके पेपर लीक हो जाते हैं और युवा हताश हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके ही अगले साल फिर से पेपर लीक हो जाते हैं, युवा फिर प्रदर्शन करते हैं, फिर उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, फिर उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर लिए जाते हैं। ये वो हाल, ऐसे देश का हाल है जहाँ पर बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर एक जो फॉर्मल सेक्टर होता है रोजगार का, यहाँ पर भी पेपर लीक होने जैसी एक विकराल समस्या है, जिसका किसी भी राज्य की सरकारें जो लग रहा है इस पर ना ही समाधान है ना ही अंकुश लगा पा रही हैं। युवा जब आक्रोशित होकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं तो उन पर पुलिस बर्बरता दिखाती है। उत्तराखंड के युवा कह रहे हैं कि उन पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर, जो छात्राएं बैठी थी, वो शराब के नशे में भी थे। और ये भी सामने आया है, कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि इन पुलिसकर्मियों ने उन छात्राओं से ये कहा कि तुम हमें नहीं सिखा सकती कि हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। यानी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को प्रदर्शन स्थली से खदेड़ने के लिए जो पुलिसकर्मी वहाँ भेजे गए, वो नशे में भी थे और ना ही कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थी। धामी सरकार आखिर किस तरह से यहां पर युवाओं के प्रति रवैया अपनाए हुए है, व्यवहार है, ये दिखाता है कि पहले आपकी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और जब छात्र छात्राएं गुस्से में सड़क पर उतर कर ये मांग करते हैं कि क्यों उनके भविष्य के साथ ये बार बार खिलवाड़ हो रहा है, क्यों नहीं बार बार होने वाली इन पेपर लीक्स को लेकर सीबीआई की जांच हो जाती है, लेकिन इन सब मांगों को नज़रअंदाज करते हुए उन पर
लाठियां बरसाई जाती है और कुछ पुलिसकर्मी नशे में भी होते हैं। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही, क्योंकि आक्रोश युवाओं का काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो और पुष्कर सिंह धामी सरकार और भी कई मामलों में उलझी हुई है। यहां पर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ खास करके, तो पेपर लीक के मामलों में बीजेपी के नेता और उनके तरफ से संरक्षक का भी जो है बार बार उन पर आरोप लगा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर ही कठोर कानून लाकर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये कोशिश की है युवाओं के आक्रोश जो कि बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ, उस पर अंकुश लगाने के लिए। तो आखिर ये कठोर कानून क्या इन पेपर लीक को रोकने में कामयाब होंगे? हालांकि जो आरोप लगा रहे हैं जो विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये कानूनी जो कार्रवाई की जाती है ये सिर्फ खाना पूर्ति कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां भी होती हैं वो इतने निम्न स्तर पर होती हैं और कि उनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती, फौरी गिरफ्तारियाँ कर ली जाती हैं और फिर मामले की जाँच जो है इतनी फौरी होती है कि उनके आकाओं तक नहीं पहुँचा जाता और फिर अगले ही कुछ समय के भीतर फिर से पेपर लीक हो जाते हैं। और सिर्फ एक राज्य का हाल नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक राज्य का देश में यह हाल नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड का यह मसला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, सरकारें किसी भी पार्टी की हों, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, बीजेपी ही क्यों ना हो, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इस मसले को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा हल्ला बोल के संस्थापक हैं अनुपम जी। आप तक पहुंचते हैं अनुपम जी, और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस विषय पर संपर्क करिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और अनुपम से बात शुरू करते हैं कि आखिर देश में पेपर लीक जैसी विकराल समस्याओं को लेकर सरकारें कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकालती, क्या एक कठोर कानून लाने भर से इस मामले का समाधान हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, और स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम, युवा हल्ला बोल के संस्थापक हैं। अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में पेपर लीक की ये जो समस्या है ये युवाओं को बड़े पैमाने पर हताश कर रही है। उत्तराखंड में इस गुस्से को भांपते हुए धामी सरकार 24 घंटे के भीतर एक कठोर कानून ला चुकी है और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ जुर्माने का भी यहाँ इस कानून में प्रावधान लाया गया है। क्या हम अब उम्मीद करें कि इस कठोर कानून के भय को देखते हुए पेपर लीक का जो गैंग है जो कि देश में अंतर्राज्यीय गैंग की तरह काम करता है, ये अब इस पर अंकुश लग जाएगा या फिर ये पेपर लीक करना बंद कर देंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर मैं ही देखूं तो लगभग 7 सालों से ज़्यादा लंबे वक्त से अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो जाते हैं और ये पेपर लीक लगभग सभी सरकारी नौकरियों में देख लूँ, हेल्थ सेक्टर देख लूँ, टीचर देख लूँ, पुलिस देख लूँ, हर सेक्टर के जो पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं और युवाओं जिनको पहले ही रोज़गार नहीं मिल रहा है वो इस सरकारी रोज़गार की आस में सालों गवा देते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई है। अनुपम जी नमस्ते। नेहा जी, और बहुत गंभीर विषय है ये जिसपे आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं जी। और हमारे देश के तो मुझे लगता है करोड़ों युवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और उनकी मनोदशा जो आज के समय में हताशा और निराशा के कारण जो युवाओं का एक बड़ा वर्ग बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है और जिस जो हमको कई आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखते हैं, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण विषय है पेपर लीक जी। और इसके कारण जो कुछ भी होता है स्थिति, आप समझिए पूरे सिस्टम के प्रति युवा वर्ग में अविश्वास पैदा होता है, ये सिस्टम जो है उस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। आप समझिए कि जब हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो गई किसी परीक्षा में जी, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी बार भी पेपर लीक हुई हो हर बार वो जानकारी सार्वजनिक हो जाती है या हर बार अपराधी पकड़ में आ जाते हैं या हर बार अपराध पकड़ में आ जाता है, कम से कम ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाता तो इतने भर से पेपर लीक होना बंद हो जाते कि जितनी बार भी पेपर लीक होते हैं और वो उसका खुलासा हो जाता है तो फिर कोई क्यों पेपर लीक करेगा अगर वो घाटे का सौदा होगा तो। जी जी, इसलिए ये मानना चाहिए कि आपके हमारे पास जो जानकारी है वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और आप समझिए जब स्थिति ऐसी हो तो जो वो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो बेरोजगार युवा है जी,
उनको हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि जिस परीक्षा की वो सालों साल तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर लीक हो जाएगा। परीक्षा हो भी जाती है तो उनको ये संशय होता है कि पता नहीं ये परीक्षा कितने कितने निष्पक्ष और कितने फेयर ढंग से हुआ होगा। तो ये जो कहते हैं सिस्टम के प्रति एक पूरा अविश्वास, वो पेपर लीक के कारण बहुत ज्यादा पैदा होता है। आपने जो सवाल पूछा अभी उत्तराखंड के उदाहरण के साथ कि उत्तराखंड में एक कानून बनाया गया है जी। नकल विरोधी कानून है वो, और क्या उससे पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी? तो मेरा तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी है, क्या उससे भ्रष्टाचार बंद हो गया? हमारे देश में बलात्कार विरोधी कानून है, क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई हमारे देश में? तो हमारे देश में तो हर तरह की सामाजिक कुरीति के लिए, हर तरह की अपराध के लिए अलग अलग कानून है ही जी। और पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी जिस तरह की सजा मिलनी चाहिए वैसे प्रावधान है हमारे देश में। प्रशासन और सरकार के पास अधिकार और ताकत की कोई कमी नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि सरकार जांच कर ले और अगर कोई सरगना सही में पकड़ ले तो उनको सरकार सजा नहीं दे सकती है जी। तो बात यहाँ पे लैक ऑफ लॉज का नहीं है, यह समझना जरूरी है। पेपर लीक के मामले में भी ये नहीं है कि सरकारों के पास ताकत नहीं है और पेपर लीक के अपराधी पकड़ में आ जाते हैं लेकिन क्योंकि कानून सख्त नहीं है इसलिए वो बच के निकल जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता जी। तो इसलिए सिर्फ कानून बना देने भर से समाधान नहीं होगा। अब ऐसी और भी राज्यों में हुई है क्योंकि देखिए पेपर लीक हमारे देश में कोई एक राज्य की बात नहीं है और किसी एक पार्टी की सरकार, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी हालत खराब है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है वहां पे भी हालत खराब है, लगातार पेपर लीक की खबरें आती हैं। अभी जो राजस्थान का जो बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि वो पेपर लीक्स के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेंगे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा गया है जी। तो देखिए इस तरह के जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स हो सकते हैं ये सब पहले भी लिए जाते रहे लेकिन इससे पेपर लीक रुक नहीं गया जी। तो मेरा नहीं मानना है कि सिर्फ कानून पास कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा। अगर पेपर लीक पर रोकथाम लगाना हो तो उसके लिए सरकारों में पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जी। इस पर बिना कोई समाधान नहीं हो सकता। उत्तराखंड अगर मैं समझूं तो एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यूके एसएससी पहले परीक्षाएं करवाती थी और जब पेपर लीक बढ़ गए तो यूके पीएससी को दे दिया गया कि आप परीक्षाएं करवाइए, वहां पर भी जो अधिकारी हैं वो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो गिरोह है वो इतना प्रभावशाली है कि यूके पीएससी के अधिकारी को भी रिश्वत ऑफर कर सकता है और यूके एसएससी के अधिकारी को ऑफर कर रहा था तो ये पेपर लीक आसानी से तो हो ही रहे थे। तो ऐसे में जब इस तरह के आयोग भी करप्शन वहां पर इस पैमाने पर है कि पेपर लीक हो जाता है और आप कहते हैं कि शायद बहुत ज्यादा पेपर लीक होता होगा जिसका पता ना आपको चल सका होगा ना मुझे चल सका होगा, ये वो पेपर लीक की खबरें हैं जो कि सामने आ गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गिरोह का प्रभाव बहुत ज्यादा है अनुपम जी, और सीबीआई की मांग ऐसे में जो युवा कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जायज है और सीबीआई पर ही अगर भरोसा करें तो कितना कर सकते हैं? देखिए युवाओं द्वारा सीबीआई की मांग करना बहुत लाजमी बात है क्योंकि और मांग भी क्या करें, मतलब हम बेचारे मांग भी क्या करें इस देश में, हमारे पास इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो कि सही मायने में निष्पक्ष जांच करता। निष्पक्ष जांच हमारे देश में तभी होती है जब कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। तो यहाँ जेपीसी तो अडानी जी के ऊपर जांच करने के लिए बन ही नहीं रहा, उत्तराखंड के पेपर लीक के लिए कहां से जेपीसी बन जाएगा? तो ये अब खैर मांग उनकी अपनी जगह है लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए पेपर लीक, मैं अक्सर ये बात कहता हूं जी कि हमारे देश में दंगे और पेपर लीक बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकते। तो जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये छिटपुट सी घटना है, कहीं कोई किसी ने पेपर लीक कर दिया कहीं से निकल गया, इस तरह की जो बात है ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं होता है। पेपर लीक की घटनाओं के पीछे बहुत ही सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचा जाता है, प्लान किया जाता है।
और इसके सरगना वो लोग होते हैं जो सत्ता में बैठे लोगों के करीब होते हैं या सत्ता में बैठे लोग होते हैं। तो जो आपने कहा ना कि ये कौन है जो हर अधिकारी को रिश्वत दे सकता है, ये हर अधिकारी को रिश्वत नहीं दे सकता, ये इतने ताकतवर हो सकते हैं ये लोग हो जो हर अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं, रिश्वत तो दूर की बात है। जी और आप समझिए, हमारे देश में जब भी कोई पेपर लीक हो जाए तो उसमें स्टेट का रिस्पॉन्स किस तरह का होता है। पेपर लीक हो गया, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कई मामलों में तो आपको, हमको या आम लोगों को कभी भी जानकारी नहीं मिलती होगी कि किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था जी या पर्चा बिका था। ये बहुत आम बात है, खास तौर पे सरकारी भर्तियों में, कि हर पोस्ट का सीधा रेट फिक्स है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आप यहाँ 40 लाख रुपया दीजिए। आपको यहाँ टीचर बनना है, आप यहाँ पे ये 20 लाख 25 लाख दीजिए। फलाने जी एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका ये रेट है, इस तरह से रेट तय है। आप जब जाएंगे उन नौजवानों के बीच जो तैयारी करते हैं इन परीक्षाओं की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी नॉर्मल और आम बात है ये। जी मतलब दो दो लड़के जो साथ में तैयारी कर रहे हो, समझिए कोई जो दूसरे को डाउट्स दूसरे के क्लियर करता हो, ज्यादा काबिल हो, ज्यादा मेहनती हो, वो हो सकता है बैठा रह जाए, और जो दूसरा है वो उसने जुगाड़ लगाया, उसके पिताजी ने अपने घर जमीन जेवरात बेचकर पैसे जुगाड़ किए और उसको नौकरी मिल गई। तो ये जी सब आम बातें हैं। तो इसमें जो जांच होती है, मान लीजिए कि अगर 10 में से 2 मामले बाहर आ जाए पेपर लीक के, जी और उसपे जब शोर शराबा होता है, हम जैसे लोग जब सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तब जाके ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करती है कि दबाव में तैयारियां जी करती है। गिरफ्तारियां किनकी करती है? गिरफ्तारियां करती है उन लोगों की जो जिन्होंने पेपर खरीदा जी था। आप समझिए, मतलब उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पेपर खरीदा, जी या फिर उन सॉल्वर्स की जो कुछ पैसों के लालच में किसी अभ्यर्थी के बदले बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। अब ये लोग असली सरगना नहीं है, लेकिन ये गिरफ्तार सबसे पहले होते हैं, और इनकी गिरफ्तारी को ही बड़ी खबर बना के कई बार सरकारें दिखा देती है कि उस पेपर लीक में हमने 15 गिरफ्तारी की, हमने 17 गिरफ्तारी की, जी और मामला वहीं पे क्लोज करने की कोशिश होती है, बस उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर। जी जबकि सच्चाई यह है कि अगर थोड़ा और दबाव बने, थोड़ी और जांच हो, जो कि कुछ रेयर मामलों में होता है, अगर ज्यादा बड़ा आंदोलन हो जाए, तब क्या सरकार करती है कि किसी विभाग के चतुर श्रेणी के ग्रुप डी के 2, 4, 3 कर्मचारी को पकड़ के बता देती है कि ये जो निरीह प्राणी थे बेचारे, यही सरगना थे, पूरा नेक्सस यही लोग चला रहे थे, इसी विभाग के इसी कार्यालय में बैठ के ये लोग सारा खेल रच रहे थे। जी जबकि वो हो सकता है कि नेक्सस पक्का पाठ होंगे ये लोग, लेकिन वो कोई सरगना नहीं होते, और वहां पे फिर फाइल क्लोज करने की कोशिश होती है ताकि उन सरकार के ऊपर छींटा ना पड़े। और अगर इससे भी ज्यादा आंदोलन बड़ा हो जाए, जो कि पिछले 1.5-2 साल में 1-2 मामलों में आपने देखा होगा, जी तब जाके जांच जो है वो उन दलालों तक जांच पहुंचती है जो असल में इन पूरे मामलों के टॉप में बैठे होते हैं। और जैसे ही उन दलालों तक जांच पहुंचती है, तब ये स्पष्ट होना शुरू हो जाता है कि सरकार में बैठे कौन लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया है, या किनके आशीर्वाद से हुआ है, किनकी सरपरस्ती से हुआ है, क्योंकि वो जो दलाल होते हैं वो और एक लेवल के ऊपर के लोग हैं इन कर्मचारियों से, और जी उनका सीधा लिंक होता है पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ। तो कभी भी जांच यहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। सच्चाई ये है कि अगर सिर्फ पेपर लीक के मामलों में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जी और जो सही में जो बिल्कुल जो जिम्मेदार व्यक्ति है, बिल्कुल जो सरगना जिसको कहते हैं ना, जो क्योंकि ज्यादातर वो व्यक्ति होगा जो जिनकी सरकार है उसके करीब कोई ना कोई होगा, उसके अलावा कोई नहीं करता इस तरह के काम, तो उसके बाद खुद ब खुद पेपर लीक की घटनाएं बंद होने लग जाएंगी। तो ये सब सोचेबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने ये कानून बना दिया, हमने ये घोषणा कर दिया, हमने वो घोषणा कर दिया। सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार है, ताकत है, सरकार अगर चाह ले तो पेपर लीक पे रोकथाम लगाया जा सकता है। सरकार नहीं लगाती है क्योंकि वही लोग पेपर लीक करते हैं जो सरकार में बैठे लोगों के करीब होते हैं। पेपर लीक जैसी चीजों से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसी से इनकी राजनीति चलती है। जो बात आपने कही अनुपम जी,
सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा होगा तभी अलग अलग राज्यों में। मैं हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश था युवाओं में कि पेपर लीक को लेकर ये भी एक वजह रही कि वो चुनाव हार गए, युवा काफ़ी हताश और निराश थे। लेकिन उत्तराखंड में भी मैं देख रही हूँ कि जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है, ये छात्र जब लगातार जाँच की मांग कर रहे थे तो उन्हें किस तरह से पहले तो क्रूरता के साथ वहां से धरना स्थल से हटाने की कोशिश की गई, और छात्राएं जो वहां पर बैठी थी उनके साथ पुलिस कर्मियों का जो बर्ताव है ये भी कहा गया, कुछ छात्राओं ने कहा है कि शराब के नशे में भी थे, ना ही कोई महिला पुलिसकर्मी थी, और उन पर भी उनको भी खींचा गया, उन पर भी लाठियां बरसाई गई और एक ऐसे जगह पर जाके वहां पर उनको रखा गया धरना स्थल से उठा के जहां पर अंधेरा था, ना ही कोई रोशनी थी। तो इन युवाओं के अगर एक बेसिक राइट्स को भी आप अगर पुलिसकर्मियों की तरफ से ऐसे हनन करते हैं तो सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ गुस्से का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उबल रहा होगा इन युवाओं में, उत्तराखंड के युवाओं में। समझूंगी मैं आपसे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए पहले रुकना पड़ता है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और युवाओं के इस आक्रोश और हताशा को अनुपम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुपम राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं युवा हल्ला बोल के जरिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। तो स्ट्रेट टॉक में ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। धामी सरकार से उत्तराखंड में युवा नाराज हैं और अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनमें इतना गुस्सा दिख रहा है धामी सरकार के खिलाफ कि पिछले लंबे समय से वो परीक्षाओं का पहले तो इंतज़ार करते हैं और जब परीक्षाएं हो जाती हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और इस बीच वो और भी अलग अलग सरकारी भर्तियों के जो है अटेम्प्ट करते रहते हैं, और इस गुस्से को जानते हुए भी जब पुलिस वहां पर जाती है तो कुछ पुलिसकर्मी वहां पर शराब के नशे में भी पाए जाते हैं, ऐसा छात्राओं ने जो है आरोप लगाया है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किसी राज्य की पुलिस जो कि पेपर लीक के आरोपियों तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन उसके खिलाफ जब स्टूडेंट धरना देते हैं तो इस तरह से उन पर बर्ताव किया जाता है। आप सरकारों का, पुलिस का रवैया देखिए अनुपम, आखिर हताशा क्यों ना बढ़े इन युवाओं में? बिल्कुल ठीक बात आपने अजय, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल जो डिफॉल्ट रिएक्शन, मैं इसको कहता हूँ हमारी सरकारों का डिफॉल्ट रिएक्शन यही हो गया कि जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, जब भी सरकार से कोई सवाल पूछा जाए जी, और जब भी युवाओं में विशेष तौर पे असंतोष और आक्रोश इतना बढ़ जाए कि वो सड़क पर आ जाए, तो किसी भी लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स उन प्रोटेस्टर्स से, उन एजिटेटर से बात करें, उनसे पूछे कि भाई क्या दिक्कत है तुमको, क्यों गुस्से में हो, और उनके पास अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन ग्रीवेंस है कि भाई पेपर लीक ही हो जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ जी। लेकिन सरकारें क्या करती है कि इसको एड्रेस करने की बजाय इनका जो डिफॉल्ट रिएक्शन है वो है कि लाठी डंडा पुलिस कुचलना, ये यही होता है हर जगह। और ये दिक्कत यह है कि सरकारें ये भूल जाती है कि आप बाकी किसी भी प्रोटेस्ट को तो कुचल सकते हैं जी, युवाओं को इस ढंग से नहीं आप शांत करा सकते कम से कम। मतलब ये यूथ है भाई, आप जितना इनको सप्रेस करेंगे ये गुस्सा उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपको याद होगा नेहा, पिछले साल जब रेलवे अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ देश भर में, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जी, उस वक्त जब हम लोगों ने उसको एक आगे बढ़ाया शुरुआत में, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे ट्रेन को रोक दिया गया था अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए जी। और कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था कि भाई हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, हम कुछ भी कर ले रहे हैं बात नहीं सुनी जा रही है शांतिपूर्ण ढंग से। तो जब बिल्कुल पीसफुल ढंग से ये कहा गया कि हम ट्रेनों को नहीं चलने देंगे और रेलवे लाइंस पे बैठ गए बच्चे, तो जो सरकार का पहला रिएक्शन था वो बिल्कुल ऐसा ही था। रेलवे ने बाकायदा नोटिस जारी करके बोला कि जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कभी जीवन में नौकरी नहीं दी जाएगी। और इनको लगा कि इस तरह की धमकी दे देंगे तो उसके बाद आंदोलन शांत हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, वो और गुस्से में आ गए और अंततः सरकार को फिर मानना पड़ा जो कुछ भी डिमांड्स थे। तो ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ये पूरे देश में
और इस वक्त तो देखिए हमारे देश में आंदोलनों को लेकर एक ऐसा नेगेटिव वातावरण बना दिया गया है हमारे देश में, जहां पे कि मुझे याद है आपको भी याद होगा कि आंदोलन शब्द में पॉजिटिविटी होती थी, जब भी आंदोलन होता था इसका मतलब होता था कोई पॉजिटिव एनर्जी। हमारा देश आजाद ही आंदोलन के जरिए हुआ है। अब आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ लोग हैं जो, जी सही बात, मतलब भारत की आजादी जो है वो कोई युद्ध से आजादी नहीं हुई, आंदोलन से हमें आजादी। अंग्रेजों ने भारत पे जो कब्जा किया वो युद्ध से किया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब युद्ध थे, बैटल्स थे। जब भारत जीता, आजाद हुआ, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन कहला है। तो हमारा देखिए स्वतंत्र, ये आजाद भारत का जन्म ही एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट से हुआ। हमारे देश में मूवमेंट के प्रति हमेशा एक सकारात्मक भाव होता था, हम जेपी मूवमेंट को पॉजिटिव नजर से देखते थे। हम अभी हाल फिलहाल तक 2013 तक अन्ना आंदोलन को भी पॉजिटिव नजर से पूरा देश देखता था जी। लेकिन देश में पिछले 7-8 साल से जो हुआ है कि कोई जो आंदोलन कर रहा है उसको या तो विकास विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, वो कोई रोड़ा डाल रहा है, रुकावट कर रहा है, मतलब एक पूरा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ। और उसमें हमारे देश जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, उस मीडिया के जरिए उसको ऐसा पेंट किया जाता है। तो ये सरकार ये कोशिश करती है कि भाई कोई हमारे खिलाफ एक शब्द ना बोले और हमारे खिलाफ आंदोलन तो कतई हो ही ना, वैसा माहौल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा सक्सेसफुल मॉडल तो है नहीं, कम से कम यूथ को तो इस ढंग से नहीं दबाया और कुचला जा सकता जी। अब देश में सबसे ज्यादा विकराल समस्या कोई है तो वो बेरोजगारी है अनुपम, और आप लंबे समय से बेरोजगारी के प्रति जो है आंदोलन चला रहे हैं, और आपको भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था, आपको भी तिहाड़ में डाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि अलग अलग राज्यों में जो सरकारें बेरोजगारी के प्रति, युवाओं के प्रति गंभीर नजर नहीं आती। जो आंकड़े हैं बेरोजगारी दर अभी मैं देखूँ तो लगभग 7.1% है, और एक नया नॉर्मल समझा जाने लगा है कि ये अब सामान्य है बेरोजगारी। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम बार बार ये क्लेम करते हैं कि भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी है, ये तमाम जो दावे, आखिर विकास किसका हो रहा है? बेरोजगार युवा हैं, और अगर सरकारी भर्तियों का ये हाल है तो जो अनौपचारिक सेक्टर है उसका क्या हाल है अनुपम? देखिए विकास उनका हो रहा है जिनका खुलासा हिंडनबर्ग कर देती है। ये विकास किनका हो रहा है उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा अब हमारे देश में। जो भी विकास है, जो भी वेल्थ है, वो चुने कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और ये कोई रेटरिक नहीं है, लफाजी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, इसके पुख्ता आंकड़े तथ्य है। अभी ऑक्सफर्म की रिपोर्ट आई, ऑक्सफर्म दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसियों में गिरा जाता है। ऑक्सफर्म की रिपोर्ट ने कहा कि हमारे देश के जो टॉप 1% जो पूंजीपति है उनके पास देश का 40% रिसोर्स पे उनका कब्जा है। अब ठीक बात है, कोई मेहनत से आगे बढ़े, खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, और खूब वेल्थ क्रिएट करे, लेकिन ये लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इनके पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेट कराया जा रहा है। इस बेसिक डिफरेंस को समझने की जरूरत है, और उसमें सरकार की भूमिका है, सरकार के प्रोएक्टिव पॉलिसीज है, एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसके कारण कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, ताकि जो कुछ भी मुनाफा हो रहा है उसका फायदा कुछ गिने चुने 2-4 लोग लें देश के, और जो भी देश में नुकसान हो, जो भी बर्डन है, उसको आप, हम सभी जनता जो है मिलकर उसका वहन करें। तो नतीजा साफ है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके आंकड़े। और उसी समय जिस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक उसी समय हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाते हैं। उसी अर्थव्यवस्था में, उसी साल, उसी समय जब अर्थव्यवस्था की हालत सबसे बुरी होने वाली होती है जी। उसी समय दो लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं अमीरी के। तो ऐसा कैसे हो रहा होता है? मतलब नाव डूब रही है, उसी नाव पे बैठे दो लोग हैं जो डूब नहीं रहे, उड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, इस बात को समझना कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है विच आर एट प्ले। इसको, ये जिसको ना समझ में आए इसका मतलब वो तो सोच समझ नहीं पा रहा है। तो जिस भी कारण से नहीं सोच समझ पा रहा हो, जिस पूर्वाग्रह के कारण, प्रेजुडिस्ट कारण, अपने फेवरेटिज्म के कारण पार्टियों के प्रति, ये सोचने समझने की ताकत भी क्षीण और कुंद कर दी गई है आज के समय में हमारे देश में। तो
इतना सोशल मीडिया से कंटेंट ठेला जाता है कि दिमाग जाम हो जाता है लोग तो लोग देख नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो रहा है देश में जी। तो उसका नतीजा है विकास किन लोग का हो रहा है, और जिनका हो रहा है फिर वो पैसा घुमाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। जिस दिन देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक हो जाए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम ला दिया गया है ना जी, कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा देगा, ये बिल्कुल अब फॉर्मल चैनल से देगा और किसी को पता नहीं होगा, इतना ओपेक सिस्टम। वो जिस दिन ट्रांसपेरेंट हो जाए समझ में आ जाएगा कि भाई वो कौन लोग हैं जिनको फेवर किया जा रहा है, किनका पैसा है, जिनसे इनकी राजनीति चल रही है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा उस दिन जी। अनुपम, अगर मैं सिर्फ ये पेपर लीक के ही मसले को आपसे समझने की कोशिश करूं कि अलग अलग राज्य हैं देश के, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी इस तरह की एक दो खबरें सामने आ चुकी हैं, तो अगर मैं इन सभी राज्यों के इस गिरोह को समझने की कोशिश करूँ तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया ही ये गिरोह बने हुए हैं, और ऐसी सरकारें बीजेपी खासकर जहां पर है वो ये दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार पर उनके आने के बाद से सबसे बड़ा लगाम जो है अंकुश उन्होंने लगाया है। लेकिन भ्रष्टाचार का मैं देख रही हूं कि अगर सीधे सीधे किसी नेता की संलिप्तता नहीं है लेकिन संरक्षक होने का एक आरोप उन पर लगता रहा है, तो ये समस्या जस की तस है, सिर्फ स्वरूप बदल गया है। अनुपम, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए और इसमें तो मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो जी, और पेपर लीक के मामले में, मतलब पेपर लीक पूरे देश को यूनाइट करता है एक ढंग से। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, हरियाणा में, यूपी में, हर जगह एक ही कहानी है जी। और एक लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, देखिए पेपर लीक का जो दर्द है वो जल्दी हर किसी को समझ नहीं आता, नहीं, कम से कम उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो जाति धर्म पार्टियों में बटे हुए। ये आक्रोश जो है, जो अभी आपने जिक्र भी किया उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए, कितना गुस्सा क्यों है और कैसे, देखिए गुस्से को समझना हो तो उस दर्द को समझना होगा जिस दर्द के कारण ये प्रदर्शन हो रहा है। गुस्से को समझने के लिए उस पीड़ा को समझना जरूरी है। वो पीड़ा कहां से आ रही है वो समझने के लिए देखिए, आप उन माँ बाप से बात करिए, उन अभिभावकों से अगर आपकी बात हो जो अपना पेट काट कर, भूखे रहकर, दो वक्त का खाना खाकर, एक वक्त का खाना खाकर अपने बच्चे को गांव शहर से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं जी, इस उम्मीद में ये पढ़ लिख कर कोई नौकरी पाएगा, इसका भविष्य जो है सिक्योर होगा और हम सब को आज की स्थिति से बेहतर करेगा और उबारेगा जी। आप उन बेरोजगार युवाओं से जाके पूछिए जो वर्षों तक तीन तीन चार चार पांच पांच साल छह छह साल जो है अपने घर से दूर रह के कहीं किसी कोने में, मतलब बिल्कुल कठिन सी परिस्थिति में जो पढ़ाई करते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अनुपम, कठिन परिस्थिति की आपने बात की है, देश के युवाओं की ऐसी परिस्थिति है कि जो बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, पहले तो उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और फिर जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनका पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये समस्या बहुत बड़ी है जिसे शायद राज्य की सरकारें जो है वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक पर। आज बात हो रही है उत्तराखंड में पेपर लीक के मसले की और समझने की कोशिश कर रहे हैं अनुपम, हमारे साथ बने हुए हैं युवा हल्ला बोल के, और एक कॉल आ रही है, ये सुन लेते हैं हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी देख के स्क्रीन पर ये देख के बड़ा मन परेशान होता है, जैसे स्टूडेंट बच्चों को कैसे पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले। जो आज का युवा है वो फ्यूचर है इस कंट्री का, उसका उसकी क्या हालत कर रहे हैं जी। कोई किसी को कोई लिहाज नहीं, पुलिस ऐसे उनकी जो उनको मिला है वो पिटाई कर रहे हैं बच्चों की, बहुत मन खराब होता है। देखिए आपने खुद ही कहा कि ये चीज जो चली आ रही है, जो पेपर लीकेज पिछले सेवन ईयर से है, तो इसका मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसी के दौरान ये सारा कुछ हो रहा है। मेन चीज मैं कह रहा हूँ सच्ची, ये हर आप माने जा माने, इनको पॉलिटिशियन की प्रोटेक्शन है जो भी ये करते हैं जी। उनको ये मालूम है हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे देखिए अब रेप्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कराने वाले उनके जो हैं पॉलिटिशियन, उनके बच्चे हैं, तो उनके ऊपर क्या एक्शन आ रहा है। जैसे पीछे बल का बानो जो
गुजरात में जिसको गैंग रेप हुआ था जी, उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, जिन जो रेपिस्ट है उनको बीजेपी ने टिकट भी दे दी वहां गुजरात में लड़ने के लिए। तो दूसरा देख लो मिश्रा देख लो, जो अपनी कार उसके बच्चे ने कार में कि कईयों को मर्डर किया था, लोगों को कार में कुचल दिया था, उसका क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसी जैसे आपके शो में तीन चार हफ्ते पहले या महीना पहले एक आप गेस्ट आए थे, वो उन्होंने बोला था, डाटा लेके आए थे, कहते मोर देन 50% जो पॉलिटिशियन है जी वो क्राइम क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, और मोर देन 50% जो लोग हैं उनका डाटा था, मैं अपने खुद नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपके गेस्ट आए थे जी, तो जी। मोर देन 50% जो है उनकी एजुकेशन बिल्कुल जीरो की तरह है, यानी मिडिल हाई स्कूल भी नहीं है जी। तो ऐसे लोगों को जो कंट्रोल करते हैं कंट्री को, क्या कंट्रोल करेंगे, कैसी शिक्षा देंगे, कैसे स्टूडेंट तैयार करेंगे। इनके पास पैसा है सिर्फ 2-3% लोगों को देने के लिए जी। जो इतने करोड़ों रुपए का नुकसान किया अंडानी ने, अगर वही पैसा इन बच्चों के स्टूडेंट के ऊपर लगाया जाता तो कंट्री कहाँ से कहाँ चल जाता। ये चीज आपको जो देखने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो न्यूज है सिर्फ एक ही चैनल है, आप डिस्कशन कर रहे हैं जी 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 गा रहे जी 99% गा रहे हैं बीजेपी। ऐसी चैनल होनी चाहिए जो जैसे आपकी चैनल है, इंडिया में कोई ऐसी चैनल लोग सुने, उनको पता चले क्या हो रहा है, तो अगर लोग फिर उन्हीं पार्टी को जिताएंगे तो ये उनकी भूल है, मैं क्या कर सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र वालिया। तो ये न्यूयॉर्क से थे, एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए सुन लेते हैं इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में सतीश जी। धन्यवाद नेहा जी। मेरे मन में दो बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मैं बल्कि उस अनुपम जी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अनुपम जी उसके बारे में थोड़ी अपनी राय दें। स्पेसिफिक पॉइंट नंबर वन, ये जो वॉयलेंस होती है पुलिस की तरफ से इन विद्यार्थियों के ऊपर या शिक्षार्थियों के ऊपर या जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, क्या इनके ऊपर या उसके पहले क्या कोई धारा लगी हुई थी ना? ये सब आम नागरिक है, ये सब सामान्य नागरिक है मेरी तरह, ये स्टूडेंट्स भी, ये टीचर्स भी, ये जॉब सीकर्स भी, ये सब मेरी तरह एक साधारण नागरिक है भारत के। तो अनुपम जी मेरा प्रश्न ये है, क्या साधारण नागरिक के ऊपर जब कोई दोष नहीं लगा हुआ, कोई धारा नहीं लगी हुई, तो पुलिस को क्या हक है कि इनके ऊपर डंडे बरसाएं? तो मेरी सीधी एक लाइन की सजेशन ये है अनुपम जी कि आप जिस भी इस वक्त आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके थ्रू होम मिनिस्ट्री को कह के एक रूल तो पास करवा सकते हैं कि इन तीन कैटेगरी के लोगों के ऊपर जब भी पुलिस जाए, पुलिस इनके ऊपर डंडे मत बरसाए। पुलिस का एक बेगुनाह लोगों के ऊपर डंडे बरसाना क्राइम है। दोष हमारे विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का या परीक्षार्थियों का नहीं है, ये दोष पुलिस का है जी। तो पुलिस दोषी है जो ये डंडे चलाती है। तो एक तो मेरा स्पेसिफिक ये था कि इस सिचुएशन के एंड पे कि ये जो वॉयलेंस जो पुलिस करती है इन लोगों के साथ, ये बंद होनी चाहिए। इसका तो कोई लिंक है ही नहीं प्रॉब्लम के साथ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जी। और दूसरी जी मेरी स्पेसिफिक बात ये है, जिस मंत्रालय की नौकरियां हो, रेलवे की है, होम मिनिस्ट्री की है या शिक्षा विभाग की है, जिस मंत्रालय की भी नौकरियां हैं, उस मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अंडर सेक्रेटरी, ये दो लोगों की टीम होनी चाहिए जो कि वो एग्जाम्स को कंडक्ट करें, कंडक्ट करवाएं, और जो क्वेश्चन पेपर है पूरा उनके कंट्रोल में होना चाहिए। देखिए ये लोग टॉप पे बैठे हुए हैं बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी आंसरेबिलिटी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। ये लोग अच्छी अच्छी सैलरीज पाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अंडर सेक्रेटरीज, और बैठ के ये तमाशा देखते हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं जी। तो जी मेरी सजेशन ये थी अनुपम जी कि ये टू मैन टीम हर मिनिस्ट्री की होनी चाहिए, वो अपने अपने विभाग की नौकरियों के एग्जाम कंडक्ट करवाएं ताकि लीकेज ना हो सके। तो लीकेज की जिम्मेवारी इन
टॉप के ऊपर जानी चाहिए। नेहा जी, आप मेरा ख्याल आज मेरा थोड़े से इस बात पे सहमत होंगे जो मैं बड़े दर्द से कहता हूँ कि ये काम जब टॉप से शुरू होता है तो डिसिप्लिन भी टॉप से शुरू होना चाहिए जी। और दूसरी अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू होनी चाहिए, और नीचे का जब पुलिस वाला तो शहर का जब पता होगा कि ये लिंक ऊपर मिनिस्ट्री से आ रहा है वो भी थोड़ा तमीज से इनके साथ पेश आएगा। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद अनुपम जी, भारत माता की जय। जी भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सतीश जी, लगातार आपका सहयोग हमें मिलता रहता है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सहयोग के आधार पर ही मैं देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो आपके सामने लेकर आने में मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। अनुपम, आपने सुना सतीश जी जो कि शिकागो से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या यहाँ पर एक समाधान भी सुझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड के ही उदाहरण से समझने की कोशिश करूँ कि पहले परीक्षा में धांधली हुई तो उसका जो जिम्मा है वो UKPSC को सौंप दिया गया और वहां पर भी करप्शन हो गई, उसके भी एक बड़े अधिकारी को ब्राइब दे दी गई और ये पेपर लीक कर दिए गए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से हिला हुआ है कि इस पर भरोसा छात्र कैसे करे। अगर मैं भी एक परीक्षा देना चाहती हूं, मुझे भी सरकारी नौकरी की आस है, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में ये हालात हो गए हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, अगर एक स्थायित्व तो चाहिए जीवन में, तो सरकारी नौकरी चाहे वो चपरासी की ही क्यों ना हो, इसकी आस देश के आज हर एक युवा को होती है। अनुपम जी, नेहा जी, और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए ही नहीं, एक बड़ा कारण ये भी है सरकारी नौकरियों के प्रति जो युवाओं में जो रुझान काफी ज्यादा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे देश में बाकी सारे सेक्टर्स में जॉब में भारी कमी आई। जी, मैं ये कह रहा था कि कल तक मान लीजिए कि कोई अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किसी कंपनी में जाके आराम से जॉब पा लेता था तो आज उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है। जो हमारे देश का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो टोटल जॉब मार्केट का 93-94% है, वहां पे भी रोजगार नष्ट कर दिया गया कई सारे स्टेप्स के कारण, नोटबंदी जैसी चीजों के कारण जी। और उसका नतीजा ये हुआ है कि ये पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे, सरकारी नौकरियों पे स्ट्रेस बढ़ा है। लगता है कि अनुपम का फिर से हमारे से संपर्क टूट रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय भी समाप्त हो गया है और अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना सहयोग दिया और कुछ मसले और समाधान भी यहाँ पर रखे हैं। और स्ट्रेट टॉक में आज बस इतना ही। neha@justbroadcasting.com पर फीडबैक देना ना भूलें। info@justbroadcasting.com पर भी आपके मेल का हमें लगातार इंतज़ार रहता है। उम्मीद करती हूँ कि देश में ये जो पेपर लीक के मसले हो रहे हैं उस पर सरकारों का ध्यान जाए, क्योंकि युवा धन अगर देश में सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य नहीं सुरक्षित है, तो ये कैसी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जहाँ पर नौकरियां ही नहीं है, और अगर हैं तो वहाँ पर पेपर लीक हो जा रहे हैं और युवा सड़क पर है, उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार।